जय हो हनुमान जी महाराज। आज तो मंगलवार भी है और देखो पेंट वेंट भी ना सब नया हुआ है इसमें, ये वाली मूर्ति पे बहुत दिन से काम चल रहा था और अभी टाइम हो गया है 8:17 हो गए और मैं निकला था 10 बजे। तो भाई आज तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया, 9:30 बजे का मेरा टाइम है जिसमें से कि आप 10:30 तक पहुँच सकते हो और सोचो उसमें मैं 10 बजे निकल रहा हूँ। रीज़न क्या था, आज है कंजक भाई साहब, बहुत टाइम हो गया आज तो, मतलब लड़कियों की ना इतनी मतलब कंजकों की ना इतनी ज़्यादा डिमांड होती है आज के दिन। मेरे को आधा 1 घंटा वेट करते करते हो गया लेकिन कंजक ही नहीं मिली। एंड में फिर मैं ऐसे आ गया कि घर वाले अपने आप देखते रहेंगे, अपने आप करेंगे। बहुत देर से ढूंढे जा रहे हैं, मिली नहीं रही। कभी किसी के घर जा रही है, कभी किसी के घर, सब लाइनें लगा के खड़े हुए बाहर। अपने अपने स्लॉट बुक करा रहे हैं, उसके बाद भी नंबर नहीं आ रहा है कंजकों का। इतनी डिमांड है आज और कल, आज है अष्टमी और कल है नवमी, फिर नौते भी खत्म। बाकी आज तो मैं पहुंचूंगा काफी लेट ऑफिस, क्योंकि लेट तो हो ही गए हैं और जाम भी अभी खूब मिलेगा। बैटरी वाली स्कूटी देखो कितनी पावरफुल होती है, वो मेरे आगे जा रही है और मैं अभी भगाऊंगा तब भी पकड़ नहीं पाऊंगा। ये देखो मेरी स्कूटी देख लो, भी स्लो कर ली वरना तो काफी तेज जा रही थी। अभी मेट्रो वाली आवाज निकालते पूरी। बाकी इलेक्शन आ रहे हैं तो देखिए बोर्ड वोर्ड वैसे तो हर जगह ही दिखते थे, अब तो एक एक बोर्ड पे मोदी जी दिखेंगे। अभी ना मेरे को अपना सेटअप ठीक करना है, अभी मैं जैसे तेज चला रहा हूँ ना तो शायद आवाज सही से नहीं आ रही होगी, शायद क्या काफ़ी पॉसिबिलिटी है। और अब देखो आराम से हो गई है ना तो अब ठीक आ रही होगी और आवाज़। तो इसमें ना हवा बहुत ज़्यादा आती है हेलमेट के अंदर, शायद या तो हेलमेट चेंज करना पड़ेगा या माइक की डायरेक्शन मेरे को थोड़ा चेंज करनी पड़ेगी। सुबह सुबह ना दिल्ली से गुड़गांव जाना एक अलग ही स्ट्रेस होता है, इतना जाम वाम। अब तो धीरे धीरे गर्मियाँ भी आ रही है, 2-3 दिन से तो मौसम काफ़ी ठीक है लेकिन आगे तो काफ़ी गर्मी आने वाली है, तो तब होगा बुरा हाल अच्छे से, जब गर्मी में खड़े रह करेंगे ना जाम में। यहाँ पे जाम मिलने पे बहुत सताता है यहाँ का जाम, अब लगेंगे अच्छे से। ये वाला जाम तो पूरी जान ही ले लेता है यार, दिमाग खराब कर देता है। यही चीज है जो सुबह सुबह ना निकलने में घर से डर लगता है। ना निकल रहा ना निकलने दे रहा, इतनी जगह पड़ी है भाई, बाइक ही तो है।
स्कोडा ना गाड़ी का नाम एकदम मतलब बहुत ज़्यादा सोच के लगती है। ये वाली नाम है स्लाइवा, स्लाइवा नहीं स्लाविया है शायद। हाँ, एक इससे पहले इनने गाड़ी निकाली थी लोरा, और अब निकाली इनने स्लाविया। अब लोरा को लोग पता नहीं क्या सोचते थे, मतलब क्या बोलते थे, और इसको स्लाविया को स्लाविया बोलते हैं, या फिर और भी बहुत सारे इसके भी डबल नाम है, सोच लो अपने आप। मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से सोच के निकालती है नाम तो इसके। कितना जाम लग रहा है, ये सारा का सारा जाम ना यहाँ पे पुलिस वाले रोक देते हैं, इस वजह से लगता है। और पहले मेरे को लगता था कि बिना फालतू में रोक देते हैं, मतलब पहले ना मैं गलत सोचता था ये सब चीज़ें कि अपनी मर्ज़ी से रोक देते हैं, या कोई VIP आ रहा होगा शायद इस वजह से रोक देते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि हमेशा कोई VIP वगैरह आए तो मेन रोड खाली करी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आगे ना काफ़ी ज़्यादा जाम लगा होता है तो पूरा आपका पूरा रास्ता ब्लॉक ना हो जाए, इसलिए पीछे रोक देते हैं ये। क्योंकि मैं एक बार निकल गया था पीछे जाम से, और आगे जाकर देखा था पूरा का पूरा फंसा हुआ था एकदम, पूरा ब्लॉक था आगे, तो इस वजह से पता चला कि पीछे इसलिए रोक रहे थे वो लोग। तो इन लोगों को काम बिना काफ़ी हार्ड होता है वैसे ट्रैफिक वगैरह मैनेज करना, हालांकि काफ़ी हद तक तो हो नहीं पाता, लेकिन हाँ जिस दिन ये मेहनत से काम करते हैं ना उस दिन ट्रैफिक ही नहीं होता दिल्ली में। देखो आगे दिखाऊंगा, जो मैं कह रहा था ना ब्लॉक ना हो जाए, आगे जाम लग रखा होगा इस वजह से पीछे रोके जा रहे हैं वो। ये देखो जैसे ही उतरते हैं ना धोलगो वाला फ्लाईओवर, महिपालपुर की तरफ जो रास्ता जा रहे हैं ना, ये पूरा जाम हो जाता है। अब ये ब्लॉक ना हो ना इस वजह से पीछे उधर रोकते हैं। नहीं तो ये पूरा का पूरा ये समझ लो पूरा फ्लाईओवर भी पीछे तक का पूरा जाम हो जाता है। अब वो रोक रोक के छोड़ते रहेंगे, धीरे धीरे यहाँ से निकलता रहेगा, जाम तो अभी भी रहेगा, लेकिन ये है कि पूरा रास्ता ब्लॉक नहीं होएगा एकदम। जाम तो अभी भी कम नहीं है। लेकिन जितनी सिचुएशन हैंडल कर सकते हैं ना उतनी ही कोशिश करते हैं ये लोग भी अपनी साइड से। तो बाइकों वालों के लिए तो फिर भी काफ़ी इजी रहता है, आराम आराम से साइडों से निकल जाते हैं, लेकिन मेन होता है गाड़ी वालों का, पूरे पूरे फंस जाते हैं लोग। और जैसे यहाँ पे गाड़ियाँ ख़राब होती है ना इस वजह से और भी ज़्यादा जाम लगा होता है। लेकिन जो गाड़ी वाले फंसे रहते हैं ना इनकी बेवकूफ़ी भी खुद की होती है कि सिंगल सिंगल गाड़ी में ना एक एक गाड़ी में एक एक बंदा बैठ के आता है बस, ना कोई कार शेयरिंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते वरना। इंडिया में देख लो ट्रैफिक कितना है, जिस हिसाब से इंडिया में ट्रैफिक है ना उस हिसाब से जितनी भी डेस्क जॉब है कंप्यूटर वाली सबको वर्क फ्रॉम होम दे देना चाहिए, और ये तो मैंडेटरी हो जाना चाहिए कंपनी में। कोई गवर्नमेंट को ना अपना इस टाइप का कुछ रूल निकालना चाहिए कि सबको वर्क फ्रॉम होम, चाहे 6 डेज वर्किंग कर दे। हालांकि अभी भी बहुत सारी कंपनी में 6 डेज अभी भी बहुत सारी कंपनी में वर्किंग, लेकिन फिर भी जितनी भी है ना बाकी जिसमें 5 भी है उसमें भी हो जाए, लेकिन वर्क फ्रॉम होम हो बस।
साइड रखे ना तो बाइक वालों को तो दिक्कत आएगी ही नहीं, लेकिन इन्हें पूरी की पूरी रोड भी घेरनी है और यहाँ का भी घेरना है, ये इतना पार्ट लाइन से इधर का भी। मतलब अपनी बेवकूफ़ी से इन्हें खुद को तो जाम में फंसना है और साथ में औरों को भी फंसाना है, वरना इतनी सारी गाड़ी है और सिंगल सिंगल लोग आते हैं मैक्सिमम गाड़ी में, आसपास के लोग बातें करके मिल के आ नहीं सकते एक दूसरे के साथ। या आजकल तो कार पूलिंग कार शेयरिंग की ऐप भी इतनी सारी है, कार शेयर करके आ जाओ। भाई पैसे भी कम लेंगे, रोड भी खाली रहेगा। लेकिन सबको हवाबाजी करनी है अपनी अपनी। और दिखाना है कि मेरी गाड़ी तुझसे भी ज़्यादा बड़ी और भारी है। घर से जब निकलता हूँ ना एकदम साफ़ सुथरा अच्छे से नहा धो के निकलता हूँ, और जब ऑफिस जब पहुँचता हूँ ना ऐसी हालत हो जाती है भाई, जैसे कितने दिन से नहीं नहाया वो इंसान, पूरा पसीने पसीने में बाल बाल सब बिगड़ जाते हैं, फिर ऑफिस जाकर दोबारा से ड्राई क्लीन करनी पड़ती है हमें। आज तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, 11 बजे तक तो सोचा था कि पहुँच जाऊँगा, लेकिन लग रहा उससे भी ज़्यादा लेट हो जाऊँगा, क्योंकि अभी 10:45 तो यहीं पर ही होगी, 10:45 हाँ 10:45 तो हो गया, 44 हो रहा है, 45 हो जाएगा वो भी जाम में पता नहीं चलेगा। और अभी यहाँ से काफ़ी दूर है ऑफिस मेरा, अभी तो महिपालपुरी आए है, जाम पूरा का पूरा लगा हुआ है, धोलकवा का फ्लाईओवर जैसे ही उतरो जाम ही जाम है बस, ऑफिस तक फिर तो ऐसे घिसड़ घिसड़ के ही पहुँचना है। ये स्कोडा वाले भी ना अलग ही नाम सोच सोच के रखते हैं अपनी गाड़ी का, अभी एक गाड़ी निकाली है इन्होंने सलाइवा, ठीक है, उससे पहले इन्होंने बहुत पहले निकाली थी एक लोरा नाम की गाड़ी, अब लोरा सोच लो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सॉरी, अब लोरा सोच लो इंडिया में क्या बोलते हैं, और सलाइवा भी, हालांकि इसका नाम सलाइवा नहीं है सलाविया है, लेकिन अब मन में तुम्हारे पहले क्या आएगा वो खुद सोच लो। भाई एकदम क्रिएटिव नाम रखते हैं अपनी गाड़ियों के ना एकदम स्कोडा वाले, बहुत सोच समझ के। फाइनली भाई पहुंच गए मजदूरपुर, इतने बड़े बड़े यहाँ पे फैक्ट्री खुल रखी है लोगों के लिए, मजदूरों के लिए। हम आज मजदूरी से थोड़ा सा लेट हैं,
पगार कटने वाली है आज। ये देखो हेक्टर और हुंडई दोनों की बॉडी ऐसी है, सोच रहे हैं टाटा है हम। बी-बी।